अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, और खुश होना भी चाहिए क्योंकि हर दिन हम कोशिश करते हैं अच्छा अच्छा सोच के जी हर दिन गुजारें, हर पल गुजारें। और अब की का टाइम जो कि सुकून का टाइम होता है, जब घर में होते हैं तो जब 5 बजे होते हैं तो बस चाय की एक वो होती है कि भाई शाम की चाय होनी चाहिए, और फिर उस पर शो भी देखिए और सीखते जाएँ मज़े मज़े की रेसिपीज़। ये हफ़्ता भी इंजॉय करेंगे कुछ ख़ास और कुछ बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़, जो कि पूरा प्लान बहुत ही शानदार बना हुआ है वो बताएंगे थोड़ी देर में। पर आते हैं आज की छोटी सी बात की तरफ। अमूमन कहावतन हमारे जो बड़े होते हैं ना, हमें एक कहावत बोलते हैं, वो ये कहते हैं मंजिल मिलेगी तो सही, भटक कर ही सही, पर गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं हैं। मतलब अमूमन ये वाली बात कह दी जाती है, और उसके पीछे क्या होता है, बात ये होती है कि जब तक लगन, जस्तजू, कोशिश आप किसी काम के लिए नहीं करेंगे और हम खुद ही हाथ पे हाथ बैठे रखे और घर में बैठे ये सोच लेते हैं कि जी इसका तो रिज़ल्ट ये होना है, हम तो क्या करें इस बात के लिए कोशिश, तो जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे आप कैसे सोच सकते हैं? और हो सकता है आपकी इस कोशिश से वो काम हो जाए जो आप एक्चुअली चाह रहे होते हैं। वो कहते हैं ना कि 10 बार गिरेंगे तो 11वीं बार एटलीस्ट सही काम कर सकेंगे, उस मंजिल तक पहुँच सकेंगे। तो हरगिज़ ऐसा नहीं होता, समटाइम्स जैसे पेपर्स होते हैं, कोई अगर पेपर में रह जाता है फिर इन दी एंड सेकेंड नंबर पर आपके पास सप्ली का एक ऑप्शन होता है, फिर उसके बाद एक और ऑप्शन होता है। तो ऑप्शंस ख़त्म नहीं होते, हम खुद से अगर जिस दिन ये सोच लेंगे कि नहीं हो सकता तो फिर तो वो काम कभी भी नहीं होगा। तो इसलिए लाइफ में कोशिश करते रहें, लगे रहें काम के पीछे, उस जो भी आपको चाहिए, और कोशिश जद्दोजहद करते रहें, और इन दी एंड दिखेगा वो आपके पास होगी, आप उस मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे अगर आपकी लगन सच्ची है और अगर वो पॉजिटिव है और वो अच्छी चीज़ है तो वो आपको मिलेगी डेफिनेटली ज़रूर। आते हैं रेसिपीज़। जैसे हमारी ये कोशिश चलती रहती है कि जी एक से बढ़कर एक रेसिपीज़ आपके सामने लेकर आते रहें, तो उस कोशिश को हमारी कोशिश ये होती है, तो इसलिए मेरे ख्याल से वो काफ़ी हद तक पूरी हो भी रही होती है। वेल, आज क्या बन रहा है, इस पूरे हफ्ते क्या बनना है, उसके लिए डिटेल मालूम करनी होगी, तो चलते हैं आपा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। चलें जी, और क्या चल रहा है, कैसा गुजरा वीकेंड? अच्छा गुजरा, थोड़ा अच्छा सा काम में गुजरा। चलें, गुड, वेरी गुड, तो बहुत अच्छी बात है कि काम अगर हो जाते हैं तो उसका मतलब इससे अच्छी कोई बात ही नहीं होती ना। हाँ। तो बहरहाल काम होना भी बहुत जरूरी होता है जिंदगी में ना, काम नहीं तो आप बिल्कुल फारिग बैठे होते हैं और वो और डिप्रेस करता है। और जैसे ये बात आपने कही कि जनाब आपके अंदर जस्तजू होना चाहिए, ठीक है ना, जस्तजू अच्छी होती है, पॉजिटिव होती है, तो आपके काम आसान हो जाए। घर बैठे बैठे या हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे तो कभी कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी। और कोई हम ये सोच लेते होना ही नहीं, हम पहले से ही वाली चीज़ें सोचते हैं ना, सोचते हैं कभी ऐसा फेज़ तो बिल्कुल ऐसा ना सोचें, और इंशाल्लाह ताला आपके लिए बेहतर करेगा। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे, और यकीनी तौर पे आपने भी अपना वीकेंड जो है बहुत अच्छा सा सेलिब्रेट किया होगा, हमारी रेसिपीज ट्राई की होंगी, तो आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा प्यार हमारी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा रखे, खुश रखे और सेहतमंद रखे इंशाल्लाह। जी जनाब, वैसे है कि आप लोग हमें बताया करें मंडे वाले रोज़ के आपने क्या चीज़ ट्राई की जो आपको बहुत अच्छी लगी और बहुत मज़ा आया आपको। तो आज सारे लोग कॉल्स करके बताने वाले हैं। बताने वाले हैं बिल्कुल। और अगर कोई चीज़ ख़राब भी हो गई या आपको समझ में नहीं आए तब भी आप ज़रूर बताया करें, ताकि हम आपको उसका सोल्यूशन बताने की पूरी कोशिश करें इंशाल्लाह ताला। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त से बारबेक्यू चिकन स्ट्रिल्स बनेंगे। अब चिकन स्ट्रिल्स कैसे बनेंगे ये आप देखिएगा, बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पार्टी डिश है ये। पार्टी डिश में हमेशा इसलिए कहती हूँ कि अगर आपको कोई गेस्ट आने वाले हैं, उनमें बच्चे मौजूद हैं, तो आप ये ज़रूर बनाइएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। या आप घर में कभी ऐसा होता है कि आपके घर में कोई जैसे कि हाई टी आप अरेंज कर रहे हैं या फिर कोई बच्चे की बर्थडे है, तब उसमें भी आप इसको बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। इसके अलावा बनेंगे फ्राइड बफलो विंग्स बनेंगे, और विंग्स जो हैं वो मुझे लगता है कि बिरयानी के बस सेकंड ऐसी चीज़ है कि जो शायद हमारे प्रोग्राम में बहुत बनाई जाती है ना, और फ्रीक्वेंटली बनने के साथ साथ चेंज रेसिपी है। तो आज आप देखिएगा किस तरह से बनेंगे। वैसे तो बफलो सॉस की मैंने रेसिपी आपको बताई हुई है, लेकिन ये देखिएगा आपके किस तरह से हम बनाएंगे। और इसके अलावा हम बनाएंगे क्या बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त एक और रेसिपी बनाएंगे, वो बनाएंगे मॉन्सल्वा से।
एक कटाकट बनने वाला है। तो कैसे बनेगा वो कटाकट, तो वो भी आप जरूर देखिएगा और बहुत ही शानदार है। यहाँ हम स्टार्ट करेंगे अपने स्विल की रेसिपी, जिसकी हम फिलिंग पहले बनाएंगे। इसके लिए डो तो मैंने पहले बना के रखा है। डो के लिए हमें क्या कुछ चाहिए था ये मैं आपको पहले बता दूँ। 3 कप अगर आपके पास मैदा है तो 1 टेबल स्पून, जैसे ये वाला टेबल स्पून है, ये भर के आपने लेना है। क्या आप लीजिएगा ईस्ट, आप सर्शे फॉर्म में अगर लेते तो 1 टेबल स्पून भर के ही निकलता है वो उसके अंदर से। उसके अलावा 1.5 टीस्पून नमक लीजिएगा, 4 टेबल स्पून मक्खन लीजिएगा, लेकिन मक्खन को हल्का सा मेल्ट कर लीजिएगा, उसको मिक्स कीजिएगा। और गार्लिक पाउडर, गार्लिक पाउडर से जस का फ्लेवर अच्छा हो जाता है, नहीं मिलता तो आप गार्लिक का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। और इसको सॉफ्ट डो बना के आप रखें। हमेशा मैं एक बात बताती हूँ कि जब भी आपने ईस्ट किसी भी चीज़ में शामिल करना है तो उसका डो जो है वो आपने सॉफ्ट बनाना है। क्यों? इसलिए सॉफ्ट बनाते हैं कि उसको राइज होने में ज़्यादा आसान हो जाता है। अच्छा जी। अच्छा, शुरू में देखिए हम लोग तो फिर भी थोड़ा सा सख्त बनाते हैं। आप शुरू में जब बनाएं तो बिल्कुल आपको ऐसे लगे जैसे कि आप बेसन फेंटते ना, इस तरीके का लगना चाहिए। वो थोड़ा सा उसमें आटा डाल डाल के आप मिक्स करते हैं, सॉफ्ट डो बन जाता है, जो खमीर जो है उसमें आसानी के साथ राइज हो जाता है। ओके। और हमेशा जब भी आप मक्खन डाल रहे हैं, तेल डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, जो भी डाल रहे हैं, वो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ठंडा, वरना क्या होता है ईस्ट जो है वो सही से राइज नहीं होता। ओके। ठीक है, तो इसलिए आप लोग देख लीजिएगा इस तरह से आपने बनाया। मैं हमेशा बताती हूँ ताकि जो हमारे नए देखने वाले उनको आसानी हो। अब हम बनाएंगे, अच्छा इन तमाम चीज़ों को हमने मिलाया, मिला के हमने सॉफ्ट बना के मैंने इसको अवन में रखा, माइक्रोवेव में रखा, ताकि ज़रा उसको थोड़ी सी गर्मी मिलती रहे और राइस हो जाए। उसके बाद हम बनाएंगे इसकी एक फिलिंग बनाएंगे। फिलिंग के क्या क्या इंग्रेडिएंट है हम आपको बताते हैं। यहाँ पर हम पैन ले लेते हैं और फ्राइंग पैन, चलिए ये दे दें, थैंक यू। आज थोड़ी सी नई जगह है तो ज़रा सा आग लग रहा है, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगी, सेटिंग हो जाएगी। लगता है कि आपका किचन चेंज हो जाए, सामान आपको ढूंढना होता है। नहीं हो, लेकिन ये कि आप रख के भूल जाते हैं बाद में। अच्छा यहाँ पर, अच्छा आप चाहें तो तेल में बना लें या फिर आप मक्खन में बना लें, इट्स डिपेंड। अच्छा ये मैंने यहाँ पे तेल डाला है, 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर तेल शामिल किया और थोड़ा सा मैं 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें बटर ऐड करूँगी। ठीक है, ये चला गया। अब हम इसको हल्का सा गर्म कर लेते हैं और गर्म करने के साथ साथ मैं इसमें शामिल करूँगी, ये मेरे पास प्याज, 1 मीडियम साइज़ की आपने प्याज ली, इसको आपने चॉप किया और इसमें हम शामिल कर देंगे। सही है जी, ये हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, जैसे कि एक ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तब हम उस वक्त तक हमने इसको करना है। उसके बाद ये मेरे पास चिकन है। अब चिकन जो है इसको मैंने क्या किया था, टिक्का मसाला डाला और डालने के बाद मैंने इसको बॉयल किया। बॉयल करने के बाद इसको श्रेड कर लिया, जो तकरीबन 1.5 कप मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। अब हल्का सा जैसे ही हो जाएगा मैं इसमें थोड़ा सा क्या चीज़ शामिल करूँगी, इसमें मैदा भी शामिल करूँगी, वो आप देखिएगा। इसके अलावा मेरे पास ये पिज़्ज़ा सॉस, पास्ता सॉस या ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, ये तकरीबन 3/4 कप मेरे पास है। बारबेक्यू सॉस तकरीबन 2 टेबल स्पून ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये हम इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही अच्छी सी एक फिलिंग तैयार करेंगे। फिलिंग हो जाएगी, उसके बाद हम डो को किस तरह से हम करेंगे ये सब आप देखते रहिएगा। और ये ऑलमोस्ट बस हमें ट्रांसपेरेंट करनी है, तो ये हो गई है। अच्छा, स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आप इस स्टेज पे भी चाहें तो कुछ चीज़ें डाल सकते हैं। जैसे मैं थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल करूँगी। मेरे पास तकरीबन 250 ग्राम मेरे पास चिकन थी, चिकन को मैंने टिक्का मसाला 1.5 टेबल स्पून 1 टेबल स्पून तेल लगा के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। उससे क्या हुआ, अच्छी सॉफ्ट हो गई, अच्छा सा एक मैरिनेशन इसकी हो गई। और यह तंदूरी मसाला भी इसमें लगा सकते हैं। सही, लगाने की जगह मोनसेलवा की चिकन बोटी जो है वो भी लगा, वो भी ले सकते हैं। ठीक है जी, ये गया हमारा इसके अंदर 1.5 टीस्पून और टेबल स्पून सॉरी कप 1.5 टेबल कप जो है हमारे पास ये चिकन थी। ठीक है ना, हमने इसको श्रेड कर लिया। ठीक है ना, ये श्रेड हो गया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी यहाँ पर मैदा। मैदा किस लिए शामिल करें, ज़रा इसकी अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए, तकरीबन 1 टीस्पून। ठीक है ना, ये चला गया इसके अंदर 1 टीस्पून। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये पिज़्ज़ा सॉस, पास्ता सॉस, आप कुछ भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ये चला गया 3/4 कप। इसके अलावा बारबेक्यू सॉस जाएगा इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब। ये डाल देते हैं, इसको मिक्स करते थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं। अच्छा बन रहा है ना, कितनी अच्छी फिलिंग है। हाँ, फिलिंग इसकी बहुत अच्छी थी। अच्छा, इसकी फिलिंग को हमें थोड़ा सॉफ्ट रखना है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हमें इसको पकाना नहीं है, सख्त नहीं करना है। तो ये बहुत ही शानदार सी तैयार हो रही है, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। थोड़ी सी सॉसी ही रहेगी, सॉसी ही रहेगी, इसको स्प्रेड करने में आसानी हो जाए। इसके बाद मैं डालूँगी इसमें तकरीबन 1
एंड हाफ टी स्पून में इसमें मैंने कुटी हुई काले लाल मिर्ची डाल दी। इसको मैं मिक्स करती हूँ और इसके बाद हम इसको निकालेंगे और निकाल के हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसको कैसे फिलिंग करेंगे ये आपको बताएंगे हम ब्रेक के बाद जी, अभी नहीं बता रहे हैं। तो ये रेसिपी है बहुत शानदार, तो देखनी है बहुत डिटेल में, तो आगे क्या होगा वो हम आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ आज मॉन्सलवा है, आपको पता है मॉन्सलवा ने दिया हमें बहुत ही वाइड रेंज, एक से बढ़कर एक इनकी प्रोडक्ट्स है जो कि हम इस्तेमाल करते जा रहे होते हैं। और फिर इसके अलावा इससे आप इतनी सारी रेसिपीज क्रिएट कर रहे हैं, यानी अब लाइफ कीजिए आसान बहुत ही मज़ेदार मॉन्सलवा के तमाम प्रोडक्ट्स के जरिए। चाहे आप कोई हांडी बना रहे हैं, कढ़ाई बना रहे हैं, बस ये कोफ्ता हो या फिर इनकी टिक्का बोटी हो, और आज तो इससे बन रहा है कटाकट। कैसे जी, वो डिटेल में पूछेंगे किस तरह से घर में शानदार सा मॉन्सलवा की रेसिपीज के साथ करते हुए क्रिएट एक कटाकट हो सकता है वो जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और जी यहाँ पर एक रेसिपी की तैयारियाँ जो कि चल रही हैं, चिकन तैयार हो गया था। और वो चिकन कहाँ गायब हुआ? वो मैंने फ्रिज में रख दिया है। okay. मैं अभी इधर ही आऊँगी, आप थोड़ा से इधर आ जाइए। अच्छा ठीक है। okay. वो एक्चुअली मैंने फ्रिज में रख दिया, ज़रा ठंडा हो जाएगा क्योंकि हमें फिलिंग करनी है, फिलिंग करनी है ना। तो डो भी जब हम करेंगे ना तो वो क्या होगा कि वो सही नहीं रहेगा, गर्म होगा तो हमारा डो खराब होना चाहिए, यानी रूम टेम्परेचर पे चाहिए। रूम टेम्परेचर पे मुझे चाहिए, खास ठंडा तो नहीं चाहिए। नहीं नहीं ठंडा नहीं, बस रूम टेम्परेचर पे मुझे चाहिए, तो इसलिए मैंने उसको फ्रिज में रख दिया है। और यहाँ पर डो बना रखा है जो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या इंग्रीडियंट डाल के आप सॉफ्ट डो बनाएंगे। लेकिन उसके पहले हम बनाएंगे यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त बफलो फ्राइड बफलो विंग्स की रेसिपी। इसके लिए मेरे पास तकरीबन हाफ के जी मेरे पास विंग्स हैं जिनको मैंने हाफ ऑफ कर लिया, और स्किन वाले ही हमें यूज़ करने। इसमें हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। ओके सबसे पहले तो हम नमक ले लेते हैं, ठीक है ना। नमक हम लेंगे इसमें तकरीबन इस क्वांटिटी में तकरीबन 1 टीस्पून, लेकिन ज़रा सा भर कर लेंगे। सही है, ये चला गया, ये वहाँ पर रख दीजिएगा। अच्छा इसके बाद हम क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, हम इसमें डालेंगे पेपरिका पाउडर, ये रहा पेपरिका पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून लीजिएगा अगर आप लेवल ले रहे हैं, भर के ले रहे हैं तो 1 टीस्पून काफ़ी है। लहसुन पिसा हुआ लहसुन ये तकरीबन 3-4 टीस्पून के करीब जाएगा। इसके अलावा हम शामिल करेंगे इसके अंदर ये बटर मिल्क। बटर मिल्क का मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से बनाते हैं, ये मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, आज फिर बता देंगे, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा बटर, थोड़ा सा हम इसमें मेल्टेड बटर डालेंगे जो तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब था, ये क्या ये मैरिनेशन हो रही है। इसके अलावा तकरीबन 5-6 टेबलस्पून हमें चाहिए हॉट सॉस के ना, तो ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। है ना मज़े की सी रेसिपी, सिंपल भी है बहुत ना, मज़े की होगी। हाँ इंशाल्लाह ताला, मैं तो ये देख रही हूँ। अच्छा ये देखिए इस तरीके से, ये आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा वाटरी सा लग रहा है, इतनी बहुत ही ज़्यादा इसमें लिक्विड ही हो रहा है, लेकिन क्या है कि आप इसको ओवरनाइट रखेंगे ना, बिल्कुल आपने इसको कवर कर देना, ये देखिए इस तरह से। अब फिर इसमें से हम एक एक पीस निकालेंगे, मैदे में रोल करेंगे। ये मैदा मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये रहा मैदा, ठीक है ना। तकरीबन 1 कप के करीब आप मैदा लीजिएगा, 1 कप या 3/4 कप। इसके बाद हम शामिल करेंगे इसमें तकरीबन 3/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। अच्छा सा इसको हम मिक्स कर लेंगे। जब आप ओवरनाइट छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी सी मैरिनेशन हो जाएगी। एक एक पीस निकालेंगे, उसमें रोल करेंगे, रोल करने के बाद फ्राई कर लेंगे। एक काम करते हैं कि मैं इसकी साथ साथ जो हमारे पास मैदा मौजूद है, एक सेकेंड ये हटा दूं, हाँ इसकी कोटिंग भी बना लेते हैं। अब कोटिंग के लिए ये मेरे पास 3/4 कप मेरे पास ये जनाब था मैदा, इसमें हम डालेंगे नमक। अभी आपको फिर दोबारा से सहमत करनी पड़ेगी, नहीं कोई बात नहीं। तकरीबन 3-4 टीस्पून आपने इसमें नमक शामिल किया, ठीक है ना, क्योंकि ये जहन में रखिएगा कि इसमें भी नमक है। मैंने शायद थोड़ा सा इसमें ज़्यादा इसलिए डाला है कि मैं मैरिनेशन टाइम इसको कम दे पाऊँ, मैं जल्दी करूँगी। जब आप रात भर इसको रखे रहने देंगे, 2 दिन भी पड़ा रहेगा आजकल के मौसम के लिहाज से, और फ्रिज में होना चाहिए, तो आप यकीन करेंगे ख़राब नहीं होगा, बेहतरीन रहेगा। लेकिन मिक्स अच्छा करना होगा आपको, क्योंकि बटर उसके अंदर है, तो ऐसा ना हो कि बटर इधर उधर जो है वो जम जाएगा फिर फ्रिज में जाके। तो अच्छे से मिक्स होना चाहिए। बफलो सॉस के अंदर आपको पता है कि बटर इस्तेमाल होता है, हॉट सॉस का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत मज़े का बनता है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से बनाना है। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर तकरीबन 3-4 टीस्पून के करीब ना मैं ये ले लेती हूँ।
इस तरह से, और इसको मैं आपको बताती हूँ बेहतरीन तरीका है कि आपको इससे लेवल कर ले। ये देखिए ठीक है ना, 3/4 टीस्पून ही हो गया। कितना अच्छा तरीका बताया, उसी के कैप से ही कर लें। उसी के कैप से कर लें ना, आसानियाँ ज़िंदगी में पैदा करें अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानी। इसको हम मिक्स करके रख लेते हैं। अब सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं रहा, मुझे क्या करना है कि मैं एक एक पीस उठाऊँगी, इसमें रोल करूँगी और अपने हॉट ऑयल में इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो बेहतरीन से विंग्स तैयार हो जाएंगे, बहुत मज़े के बनेंगे, अच्छे बनेंगे। आ जाते हैं अपनी इस रेसिपी पे। ठीक है, अब मुझे निकालना ही पड़ेगा वो चिकन। अभी आप निकालेंगी? हाँ बिल्कुल, शाबाश। बस ढूंढना पड़ेगा रखा कहाँ है। नहीं नहीं, अच्छा। इस साइड पे, हाँ ओके, रखा हुआ है। ठीक है ना, फिलिंग हमारी ठंडी हो चुकी है, डो मैं आपको दिखाती हूँ कि हो गया। हाँ वैसे काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतर हो गया होगा इंशाल्लाह। अब ये डो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, डो हमारा, ये हमने एक्चुअली इसको ट्रांसफ़र किया था इसमें अपने बोल में, इसलिए इसकी आपको इसकी शक्ल ऐसी लग रही होगी। अब हम ये करेंगे, अपने सरफेस के ऊपर हम थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे। सही, मैदा हमने डस्ट कर लिया और उसके बाद मैं काम ये करूँ। ये देखें, ये देखें कितना कोई ज़बरदस्त सा हो रहा है। और चाहें तो आप थोड़ा सा ऑयल वाला हाथ भी लगा सकते हैं। अच्छा, और ये गया इधर। ठीक है, इसको मैं पूरे को निकाल लेती हूँ। बहुत अच्छा। अच्छा, आजकल के मौसम में जैसे 1-1.5 घंटा लग जाता है, वरना आराम से हो जाता है। अगर आप जैसे गर्मियों में करते, मैं रहती हूँ गर्मियों में करते तो और जल्दी हो जाएगा वो। तो मैं ख्याल जैसे जून जुलाई की गर्मी में 15-20 मिनट में हो जाता है। यहाँ तो गर्मी रहती है, पर दिसंबर में भी गर्मी मिलती है। हाँ ये बात तो सही कह रही है। हाँ। आप वैसे कराची वाले बड़े खुश हो गए थे कि जनाब बहुत अच्छा मौसम हो गया, अच्छा हो गया, आज अब के बार तो हमें नवम्बर में ठंड मिल गई। पर नहीं जी, कोई ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं कराची वालों, दिसंबर में भी गर्मी इंजॉय करो। नहीं नहीं, लेकिन आजकल का जो थोड़ा प्लेजेंट है, प्लेजेंट है, लेकिन हम दिसंबर में एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ ठंडक हो, ठंडक हो, लेकिन पता नहीं है। एक्चुअली पता होता क्या है, वो हमने जो स्वेटर 10 साल पहले लेके रखे होते हैं ना, वो भी तो हमें आखिर पहनने होते हैं ना 10 साल पहले। सही कह रही, 10 साल पहले। बाकी आप यकीन करें कि नए के नए रहते हैं। शॉल्स ऐसी कभी कभी तो रहता है कि मुझे शॉल्स का जैसे बेहद शौक है तो मैं बहुत लेती हूँ, तो वो इतनी ढेर होती हैं, वो जिस तरह निकलती हैं उसी तरह बाजू का वापस चली जाती हैं और यूज़ भी नहीं, यूज़ भी नहीं हो पाती है ना, तो बड़ा वो दुख हो रहा होता है ना। बहरहाल अल्लाह ताला का ये बहुत शुक्र है कि हमारे पास जनाब इतने मौसम हैं और हम इंजॉय करते हैं, चाहे थोड़ा करते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में तो है ना सर्दियाँ। देखें जैसे इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा है, कोयटा में है, इन जगहों पे काफ़ी ज़्यादा सर्दी हुई है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको सिंपली हमने इसको रोल करना है। ओके, ठीक है, मैं रोल कर रही हूँ अभी, तो आपको टेढ़ा मेढ़ा लग रहा होगा, लेकिन इसको मैं पूरी कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छा सा इसको रोल करूँ ना। ठीक है ठीक है, हमें थिक रखना है। ये मैं हटाऊँ, आपको डिस्टर्ब करेंगे? चलें, अगर आप देख लें आप, क्योंकि मैंने कहा अगर आप आगे तक लेके जाएंगी तो। हाँ नहीं, बस इसको बहुत ज़्यादा नहीं, हाथ से ही मैं इसको टैप कर लेती हूँ थोड़ा सा। हाँ ठीक है ना जी, इस तरह से ये यहाँ से थोड़ा सा पतला हो गया, या मैं इसको थोड़ा सा यहाँ इस साइड पे फैला लेती हूँ। ठीक है, देखिए ये हो गया। अब मुझे पता है कि मैं, मुझे धागा चाहिए। अगर चलें, अगर धागा नहीं मिलता, वैसे मैं धागे वाला तरीका तो मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, आज हम नाइफ से ही कर लेंगे ना, काम चला लेंगे ना, क्योंकि हमें रोल काटने भी होंगे ना। अब थोड़ा सा मैं इसलिए ये उठा रही हूँ ताकि ये यहाँ पर मैदा छिड़क लूँ, ऐसा ना हो कि जब मैं इसको रोल करने लगूँ तो ये फिर बहुत ज़्यादा चिपकना शुरू हो जाए इसके ऊपर। तो ये इसको यूँ कर देते, क्योंकि इसमें हमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसमें हमें क्या करना है, बस सिर्फ फैलाना है हमें। ओके ठीक है ना, इस तरह से हमने पूरा इसको फैला दिया। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से भी उठा लेती हूँ ताकि ये ज़रा सा बेहतर हो जाए, और थोड़ा मैं अब इधर भी उठा के डालूँगी। ठीक है, ये हो गया, और इसको हम यूँ फैला लेते हैं। अब चले जी, अब बारी आती है हम फिलिंग की ना, इसको हाथ से आप थोड़ा सा इस तरह से कर लें, कोई मसला नहीं ना। ये मैं, ये देखिए जी, ये स्क्वायर सा बन गया, और अब हम ये जाएंगे इस फिलिंग के ऊपर ना। ये फिलिंग जो मेरे पास यहाँ पे रखी हुई है, इसके लिए मुझे एक स्पून चाहिए होगा। हाँ, हाथ भी मेरे बड़े गंदे हो रहे हैं। ठीक है जी, अब आपने ये फिलिंग जो है ना इस पे लगानी है, पूरी फिलिंग। इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके फैलाती हूँ, पूरा नहीं डाल रही एक साथ, वरना ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा हो जाए, क्योंकि हमें सिर्फ इतनी रखनी है कि एक बारीक सी लेयर आना चाहिए। अच्छा। चले जी, ये देखें, इस तरह थिक नहीं हो, बहुत थिक नहीं, क्योंकि इसके ऊपर हम बड़ा अच्छा सा एक चीज़ सॉस भी बना के डालेंगे ना ऊपर से। अच्छा जी, ये देखिए जी, इस तरह से ये आपको पूरा करना है, और उसके बाद इसको हम रोल कर लेंगे, वरना क्या होगा, ये बहुत बहुत ज़्यादा भर देंगे ना तो निकलना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी। हाँ, बस इसको इतना मज़ेदार बनाएं कि आपको बहुत ज़्यादा फिलिंग की जरूरत ना पड़े। तो ये भी टी टाइम की लग रही है, विंग्स भी टी टाइम की है, बस लेकिन इसीलिए हमने सोचा कि आपको बहुत अच्छा सा कटाकट बनाना सिखा दें, ताकि आपका मेन कोर्स जो है वो भी हो साथ में। जनाब बिल्कुल, इसीलिए कि मोनसलवा जो है उसकी ज़बरदस्ती रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
बस इस तरह से अब आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नज़र भी नहीं आ रहा और मैं नहीं अभी ब्रेक नहीं लेंगे हम, लेकिन हम क्योंकि थोड़ा सा प्लीज़ बस ज़रा सा थोड़ा सा काम रह गया। मैं बता देती हूँ कि किस तरीके से हमें, ये तो सभी को पता है मैं सिनेमन बर्न्स वगैरह बनाती हूँ तो आपको पता ही है, आइडिया होगा कि किस तरह से हमें करना है। ये थोड़ा सा, ये देखा आपने कि पूरा एक उस पर हो गया और बहुत थिक नहीं, बहुत थिन सी। चलें चलें ये, हाँ बिल्कुल आप फिक्र ना करें, मैं पूरा भर देती हूँ उसको। ये देखिए जी, ये हो गया, तालिब की फरमाइश पे गया। हाँ, ये हमारे डायरेक्टर साहब की फरमाइश है कि जी आप इसको पूरा भर दें। हाँ। और यहाँ तक ले आते हैं ना, ताकि कॉर्नर्स तक। और ये देखें जी, ठीक है जी, ये हो गया है ना, उसको थोड़ा अभी खुद ही फैल के थोड़ा सा और हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, सिंपल हमने इस तरह से इसको रोल करना है, ठीक है ना। अब आप चाहें तो ब्रेक ले सकते हैं, मैं इसको क्योंकि रोल कर रही हूँ, ठीक है ना, सिंपल। इजाजत आपकी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, कटिंग जो है वो मैं करना शुरू कर दूंगी, एक आपको काट के भी दिखा दूंगी किस तरह से आपको काटना है ये स्ट्रेल जो है ना। अच्छा, थोड़ा सा आपने दबाते रहना है, ये मैं दबाती जा रही हूँ, इसको पूरा रोल कर लूंगी। रोल करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद ये डिश आपके पास होना चाहिए, इसको या कोई भी डिश आपके पास बेकिंग की होना चाहिए। इसमें हमने ऑयलिंग कर दी है थोड़ी सी, और उसके बाद काट काट के किस तरह से रखेंगे ये आप देखिएगा आने के बाद ना। ठीक है, आने के बाद हम आपको बाकी डिटेल बता देंगे। नाम चूंकि आप कुछ भी नहीं करना चाहते होंगे, यहाँ तक के स्टेप को यहीं तक ही महदूद रखेंगे। मजीद आगे जो भी डिटेल होगी वो वापस आके शेयर करेंगे। फिर अभी एक और विंग्स की रेसिपी है, फिर मॉन्सलवा के कटाकट हैं, वो कैसे बन रहे हैं जल्दी से जानेंगे वो रेसिपी भी। इसलिए जल्दी से जाते हैं एक ब्रेक पे और फिर जल्दी से ही वापस आते हैं। और यहाँ पर जो चिकन स्विल हैं वो इतने शानदार तैयार हो गए आपके सामने। रोल हुआ था, रोल होने के बाद थ्रेड से या नाइफ से, आपने मुझे दोनों करके दिखाया ब्रेक। हाँ, में कि किस तरह आप नाइफ से भी कर सकते हैं, और मैंने आपको बहुत दफ़ा थ्रेड से भी बताया कि थ्रेड से किस तरह से करते हैं, दोनों से करें। अच्छा, इसको भी आपने थोड़ी देर के लिए रखना है, ठीक है ना, कम से कम 15 से 20 मिनट आप इसको रखें, उसके बाद आप इसको बेकिंग के लिए डालें। तो मैं काम करती हूँ कि इसको मैं कवर करके रख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पीछे रख देती हूँ, और अभी इसको मैं अवन में नहीं डाल रही। सही है, लेकिन आप तो कहती हैं इसके ऊपर चीज़ वगैरह ये भी जानी है। ये बाद में डालेंगे, ये लास्ट में जब बेक होकर आ जाएगा ना। ओके, अभी हम आ जाते हैं इस जबरदस्त से विंग्स की तरफ, जिसको ओवरनाइट आप लोगों ने मैरिनेट करना है, लेकिन हाँ, हमारे पास टाइम नहीं, टाइम नहीं अभी अभी। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ कि मैं इसको बेक करने के लिए रख ही देती हूँ, वरना ऐसा ना हो कि फिर हमारी ये चीज़ें बेक ना हो, क्योंकि हमें फिर एक सॉस भी बनाना है। मैं काम करती हूँ अवन, और एक मिनट, ऊप्स, हमने दोनों चीज़ें एक साथ खोल ली हैं। चलें जी, चीज अभी चाहिए ना, मैं भी बड़ी ओवर स्मार्ट थी, जल्दी से चीज निकाल के लेकर आ गई। अवन का टेम्परेचर जो है, अच्छा सॉस हम चीज हम बाद में बना लेंगे, कोई मसला नहीं। ये गया अवन के अंदर, अवन को आपने करना है वन, अभी आप देखिएगा 180 पे होना चाहिए अवन का टेम्परेचर, इससे अपना है नहीं, थोड़ा सा 180 पे कर दें, 170-180 के दरमियान ना। अच्छा, 200 पे आपने इसको गरम करना है, जब वो गरम हो जाएगा तो 160 और 170 के दरमियान आप रखिएगा, तो इंशाल्लाह ताला 10-15 मिनट में और ऊपर ये हो जाएगा, दोनों का हो जाएगा। हाँ, हाँ, ऑन है। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने विंग्स जो हैं वो मैंने मैरिनेट करके रखे हुए थे। अब ये विंग्स जो है मैं करने जा रही हूँ, इसलिए कि हमारे पास टाइम नहीं है। हम चीज़ सॉस जो बनाएंगे ना, वो कैसे बनाएंगे, हमने थोड़ा सा बटर को गरम करना है, उसके अंदर हम थोड़ा सा गार्लिक पाउडर, ये मेरे पास यहाँ रखा है, ये डालेंगे, इसके अलावा चीज़ डालेंगे, और चाहें तो थोड़ा सा दूध भी इसके अंदर शामिल कर दें। डालने के बाद जब आप देखेंगे कि वो थिक सा हो गया, तो जब ये गर्म होकर निकल के आएंगे ना बेक होकर, तब हम इसके अंदर डाल देंगे, तो आप देखिएगा ऊपर से कितना ज़बरदस्त, और ऊपर से हरी प्याज इसको गार्निश कर देंगे। यहाँ पर तेल हो रहा है, अब मैं काम करती हूँ कि ज़रा सा इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, और एक एक विंग उठाऊँगी, और उठाने के बाद हमने इसको सिंपली हमने इस तरह से, अभी आप प्लीज़ मुझे एक प्लेट देंगी, प्लेट जी जी, ओके ठीक है ना। अच्छा, आपको चीज़ रखवानी है वापस फ्रीजर में? फ्रीजर में चीज़ रखवानी है, ठीक है, नहीं नहीं कोई मसला नहीं, अच्छा ठीक है ना, क्योंकि हमें इसको मेल्ट तो करना ही है ना, सिंपली हमने यूँ उठाना है। अब आपकी मैरिनेशन बचेगी, मैरिनेशन को आप क्या कीजिएगा, छानिएगा, और छानने के बाद आप रखिएगा, एक हफ्ते तक आपके फ्रिज में आराम से रहेगी, आपको फिर अगर इस्तेमाल करना है तो आप आराम से कर सकते हैं किसी और चीज़ में, किसी और चीज़ में कर सकते हैं, विंग्स भी बना सकते हैं दोबारा से, या फिर आप इसको चिकन भी बना सकते हैं, जो दिल चाहे आप इसका बना सकते हैं, इसको ही थिक करने के बाद। लेकिन ये सॉस
इसलिए अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि इसके अंदर चिकन का जो फ्लेवर है वो अंदर आ गया होगा, वो इतना अच्छा नहीं लगेगा ना. ठीक है ना, तो सिंपली आपने उठाना है एक एक करके, सही है. और उसके बाद तेल गरम हो रहा है, तेल गरम हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे और डाल के ज़बरदस्त से विंग्स जो हैं इसमें फ्राई करेंगे. इसके बाद आएंगे हम अपनी मोनसलवा की रेसिपी, जिसके लिए हमारे पास है चपली कबाब. अब बताइए आप ज़रा चपली कबाब के बारे में कुछ थोड़ा बहुत. ओह यस, मोनसलवा के चपली कबाब हैं जो कि हम चाहें तो वैसे भी सर्व कर सकते हैं जस्ट फ्राई करके, लेकिन क्योंकि जी इसमें एक डिफरेंट आप चाह रही हैं कि मोनसलवा की जब इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं और सिर्फ उसे रेडी टू कुक हैं तो क्यों फ्राई करके सर्व करें, इनसे आप रेसिपीज क्रिएट करें. तो आज तो मैं सुन के सरप्राइज हुई हूँ कि नॉर्मल आपके पास मोनसलवा की चपली कबाब हो तो आप उससे कटाकट तैयार कर सकते हैं. वाह, क्योंकि इसमें सारे स्पाइसेस ऐसे होते हैं, यानी कटाकट वाले, जैसे कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ जीरा, इस टाइप के होते हैं. तो आप देखिएगा कितना ज़बरदस्त सा ये हम बनाएंगे कटाकट. पहले हम मोनसलवा के कबाब को, जो चपली कबाब है, उनको हम फ्राई करेंगे. फ्राई करने के बाद हम इनको निकालेंगे और निकालने के बाद क्या किस तरह से कटाकट करेंगे ये आप देखिएगा. देखिए ये तो सिंपल एक कबाब है, लेकिन आप इससे आपको प्रॉपर एक रेसिपी बता देंगे. बिल्कुल, कि अगर कभी ऐसा कोर्स बन जाए कि चार आपके पास पड़े हुए, अब आप चार से आप सोच रहे कि क्या करेंगे, कुछ अच्छी चीज़ भी बन जाए और आपका काम भी चल जाए, ये ज़ाया भी ना हो. तो आप देखिएगा किस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त से चपली कबाब से हम आपको बनाना सिखाएंगे कटाकट. अच्छा जी, ये हो रहा है तो मैं एक काम करती हूँ, जो हो गया है एटलीस्ट ये डाल देती हूँ ताकि ये फ्राई होते रहें, ताकि जब हम ब्रेक से वापस आएँ तो अपनी मोनसलवा की रेसिपी को स्टार्ट करेंगे. पहले हम चपली कबाब को फ्राई करें. अबीर आप निकाल लें चपली कबाब ना. ठीक है जी, तो निकाल लेते हैं. ये देखिए चपली कबाब सारे हम फ्राई कर रहे हैं, स्लो हीट पे कीजिएगा ताकि अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए. चलो जी, थोड़े से रह गए, ये भी मैं कर लेती हूँ. मोनसलवा के ये चपली कबाब हैं आपके सामने. ये बहुत अच्छा पैक हुआ हुआ होता है ताकि इसकी जो फ्रेशनेस है वो बरकरार रहे और आप तक जब पहुँचें तो वो एकदम परफेक्ट जायके में और तमाम चीज़ों में हो. ये देखिए इस तरह की कोटिंग, ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो घरों में इस तरह के जो विंग्स वगैरह की रेसिपीज़ हैं वो बहुत काम आती हैं. पार्टी में बनाएं या अपने घर में बनाएं, घर वालों को एंटरटेन करें, बहुत अच्छी रहती हैं ये रेसिपीज. देखिए कितना अच्छा चपली कबाब है, वाह, बड़ा बड़ा जो आपको एक्चुअली चपली कबाब चाहिए होता है, ये देखें ज़बरदस्त सा. बस अब मैं इसको फ्राई करूँगी फ्राइंग पैन में, और जब तक कि हमारे ये विंग्स होंगे तो जब जैसे ही फ्राई हो जाएंगे उसके बाद हम इसका कटाकट करेंगे. कैसे करेंगे आप देखिएगा. चले जी, ब्रेक आ गया, ब्रेक आ गया. हाँ चले काम करते हैं, ब्रेक ये मैं फ्राई करती हूँ, फिर ब्रेक के बाद करेंगे. एक फ्राई करना शुरू कर देते हैं हम ना चपली कबाब मोनसलवा के, ये हम फ्राई कर लेते हैं. जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ये आपको फ्राई मिलेंगे और फिर इनका लुक. फिर इसके बाद आपा बनाने जा रही हैं इससे कटाकट मोनसलवा की ये रेसिपीज. आपके पास प्लेन पराठा मौजूद है, आपके पास चिकन टिक्का बूटी मौजूद है, आपके पास सीख कबाब मौजूद है, यानी वैरायटी तो मोनसलवा ने आपको दे दी है. बस अब आप रेसिपीज क्रिएट करते जाएं जो कि समीना आपा आपको देती जा रही. चिकन फ्राइज, बाव नगेट्स, यानी बच्चों के लिए तो शानदार है, उनके लिए ईद ही ईद है कि अगर आपके फ्रीजर में मौजूद हो. आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि बच्चे ज्यादा परेशान होते हैं, उनको क्या दें, और इसी से कुछ ना कुछ बना के पराठा रोल दे दें, इसी से कुछ ऐसा दे दें जो कि बच्चों का पेट भी भर जाए, अच्छी गजाइयत वाली चीज भी चली गई. आपको पता है प्रीमियम क्वालिटी की चिकन के साथ तैयार की गई है. मोनसलवा की तमाम रेसिपीज होती हैं जो कि प्रोडक्ट्स आप तक पहुंचाई जा रही हैं. और अब जानेंगे कटाकट कैसे एक छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक जी. यहाँ पर एक तरफ जबरदस्त से क्रिस्पी, बड़े ही कुरकुरे से ये जो है विंग्स तैयार हो रहे हैं, और आप देखिए कितना अच्छा एक परफेक्ट उसके ऊपर कोटिंग आई हुई है. और ये हो गए हैं बफलो विंग्स जो हैं हमारे तैयार हो रहे हैं, ये भी हो गया. और आ जाएं जी इधर, ये है मोनसलवा के चपली कबाब. क्योंकि हमने इसको कटाकट बनाना है तो आपा ने कहा जी तवे पर ही मैं फ्राई करने वाली हूँ, यही हम इसका कटाकट तैयार करेंगे. हाँ। जबरदस्त. अच्छा इसको हमें बहुत कलर नहीं देना अभी, ठीक है ना. अच्छा ये बस, हाँ ये ऑलमोस्ट हो गए हैं, ये देखें थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इसको अच्छा नहीं. इसको अब हम यहाँ कॉर्नर पे कर देते हैं. अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ डालूंगी ये प्याज, ठीक है ये प्याज. इसके बाद हम डालेंगे, इसी में हम डालेंगे टमाटर, ये गए टमाटर, क्योंकि कटाकट में तमाम चीज़ें जाती हैं. और थोड़ी सी हरी मिर्च ये चली गई, बल्कि थोड़ी सी हम बचा लेते हैं, ये चली गई हरी मिर्च है. और ये है इसमें, यहाँ पर इनको निकाल लें, मेरा ख्याल हो गए होंगे. अच्छा यहाँ पर जैसे कि मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक, तकरीबन 1 टीस्पून,
कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून, ये चली गई, थोड़ी सी ज़्यादा भी के हो जाए, पिसी हुई भी डाली है और दोनों डाली है मैंने, और ये गई इसमें हल्दी। अब हम क्या करेंगे कि इसको अच्छे से ज़रा सा मिक्स कर लेते हैं, ठीक है ना। ये मैं मिक्स कर लेती हूँ ताकि कटाकट का अच्छा सा मसाला जो है वो तैयार हो जाए, और ये होना शुरू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए कितना अच्छा सा लग भी अच्छा और साथ ही हम इसमें इनको भी डाल देते हैं ना, तो ये देखें जी ये ज़बरदस्त। अच्छा इस कबाब का नोटिस कर ले, क्या अच्छा सॉफ्टनेस है इस कबाब के अंदर। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त है ना, ये हो गया, यानी 4 कबाब आपके पास हो और आराम से आप एक खाना तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल। अब आप देखिएगा जब हम इसको डिश में निकालेंगे कि तो माशाल्लाह कितना बहुत सारा हो जाएगा। और इसको भी मिक्स कर देते हैं, अब इनको आराम से पहले हल्के हाथ से कर देते हैं, मिक्स करते हैं, और फिर उसके बाद हम आखिर में इसमें और क्या चीज़ें डालेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। इससे मैं शामिल करूँगी चाट का मसाला, जो गया यहाँ पर ये चाट का मसाला, थोड़ी सी इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। अब आप देखें तमाम इंग्रेडिएंट वही हैं जो कि हम कटाकट में शामिल करते हैं। ये गया इसके अंदर कसूरी मेथी, तकरीबन 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी चलेंगे। एंड में हम हरा धनिया और हरी मिर्चें इसमें शामिल करेंगे, तो बेहतरीन सा चपली कबाब से हमने कटाकट जो आपके लिए बनाया है वो तैयार। वाह, तो मिक्स कर लेते हैं मोहन सलवा के चपली कबाब के साथ तैयार। देखेंगे अच्छा अभी मैं इसको थोड़ा सा पका रही हूँ, उसके बाद मैं मज़ीद इसको कटाकट कर दूँगी ताकि अच्छा सा हो जाए, क्योंकि ये देखिए ना अभी ये टमाटर थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं, वैसे भी कटाकट में थोड़े थोड़े टमाटर नज़र आते रहते हैं, तो इसको हमने ऐसे कर लिया। और आपा इनको और कलर देना, दिखती हूँ मैं बाहर निकालूँ थोड़ा सा। मेरे ख्याल हो गया, बस हो गया, निकाल लें इसको, निकाल लें इसको, हम हटा देते हैं, ये भी हटाते हैं, निकालने के लिए वो दे दें ग्लव्स वगैरह, ग्लव्स इसको पहले ऑफ कर देते हैं। हाँ फिलहाल ऑफ ही कर दें, तो तैयार हैं, फिर इसका मैं निकाल के लेकर आती हूँ और आपको लुक दिखाती हूँ। बख्तियार जल्दी से भागते हुए ग्लव्स ले आए। चलें ये हो रहा है, और इसको आप कवर कहीं चल, ये रहा इसको मैं कवर कर देती हूँ, ठीक है ये हो गया कवर। अब हम बना रहे थे चीज़ सॉस जो हम अपने सोयल्स पर डालेंगे, इसके लिए मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं फ्रैंक पैन। फ्रैंक पैन यहाँ पर मेरे पास मौजूद है, इसमें मैं डालूँगी बटर, ये ले लेते हैं ताकि इससे आसान जो है। हाँ ठीक है, ये गया इससे बटर, तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब बटर है ये। अच्छा एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये इसको मैं इधर कर लेती हूँ, ये है ना तवा बड़ा है ना, बड़ा है ना तवा ना। अच्छा ये हो रहा है, अच्छा इसको हम मेल्ट करेंगे, साथ ही इसके अंदर और चीज़ें शामिल करेंगे, जैसे कि ये मेरे पास मौजूद है लहसुन पाउडर मौजूद है, इसके अलावा थोड़ा सा इसमें दूध शामिल करेंगे। दूध किस लिए शामिल करें कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है बहुत अच्छी सी हो जाए। ये थोड़ा सा हो गया चले जी, हो गया, और डालूंगी इसमें लहसुन पाउडर, इसको हम मिक्स कर लेते हैं, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और वो निकल गया क्या? नहीं बख्तियार ये चर्जी दोनों में से अच्छा। कोई ग्लव्स ला दें जल्दी से, ओवन ग्लव्स चाहिए। इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे, तकरीबन 1/2 कप के करीब दूध, और डालेंगे 3/4 कप के करीब हम इसमें चेडर चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो ये गया इसमें चेडर चीज़, ज़बरदस्त सा, बहुत ही अच्छा सा। अच्छा अब हम इसको इतनी देर कुक करेंगे कि चेडर चीज़ जो है ये मेल्ट हो जाना चाहिए। किसी भी स्टेज पे आपको लगता है कि जनाब इसमें पानी हमें दूध थोड़ा कम है तो और भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा सा हमें ऐसा रखना है कि जैसे पोरिंग कंसिस्टेंसी इसकी होना चाहिए। और कटाकट में से तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है जनाब। और ये देखिए क्या बात है, यहाँ रखो मैंने, यहाँ रख दीजिए इसको, और मैं इसको खोल देती हूँ। अब आप देखिए इसका थोड़ा सा साइज़ भी इंक्रीज़ हुआ है बेक होने के बाद, क्योंकि जैसे बनाए थे फिर रेस्ट भी देना आपको बनाने के बाद। बनाने के बाद आप घर में तो इसको रेस्ट ज़रूर दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा चीज़ सॉस थिक हो जाएगा तो फौरी तौर पर इसको मैं डाल दूँगी। डालने के बाद हम क्या करेंगे कि हम इसको थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन इसके ऊपर डाल देंगे, बेहतरीन ज़बरदस्त, और साथ में कटाकट जो कि बहुत ही आप देख रहे हैं कि कितना कोई अच्छा सा इसकी शक्ल, इसका टेक्सचर और साथ ही इसका टेस्ट, इंशाल्लाह तवा। ये देखें एक्सेलेंट रेसिपी आपका, बहुत ही, ये देखें, ये देखा आपने कितना कोई, अब आप ऐसे रखेंगे तो और ज़्यादा लोग खुश हो जाएंगे। तवे पे ही इसको सर्व कीजिएगा जनाब। हाँ इसको आप दें चपली कबाब कटाकट, और उसका नाम भी आप इसको टैग कीजिएगा अगर चपली कबाब कटाकट ना। ये देखें मिक्स हो गया, अब आपको देखें कहीं से लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है इसके अंदर। 4 कबाब से हमने कितना बेहतरीन शाम बना लिया, और डालेंगे
और ये गया इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च, ठीक है ये चला गया। इसको मैं मिक्स करती हूँ, ज़बरदस्त सा ये तैयार हो गया है। अच्छा अब आप देख रहे हैं कि ये चीज़ सॉस तैयार हो गया है। मैं काम करती हूँ, इस सोयल्स जो है इनके ऊपर डाल देती हूँ, डाल के हम इसको सर्व करेंगे। ये देखें इस तरह से आपने डाला, वाह गर्मा गर्म सोयल्स और गर्मा गर्म ही ये जी जी इसके ऊपर चीज सॉस इसके ऊपर डालें, ये डाला और थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन इसके ऊपर डाल दें, ये देखें बेहतरीन करते हैं और उसको सर्व कर देंगे। और उसको मैं मिक्स कर रही हूँ, मिक्स करने के बाद आप ये देखें जी बहुत ही अच्छा, मुझे तो बहुत ही पसंद आ रही है। ठीक है चलें जी, खुशबू इतनी मज़े की आ रही है, मैं मतलब कंफ्यूज हूँ आज इसकी तारीफ करूँ करूँ। विंग्स तो अपन ने उधर पीछे पहुँचा दिए हैं, वो भी मज़ेदार है। तीनों रेसिपीज बहुत शानदार हैं, बहुत डिटेल में अपन ने बताया है, नाम से और अच्छे से समझ भी आया होगा। चलते हैं रिकैप की तरफ, फिर हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर वापस आते हैं और अच्छे से ज़रा डिटेल में दिखाते हैं तीनों रेसिपीज का लुक। ब्रेक लीजिए फिर वापस आए। फ्राइड बफलो विंग्स, अच्छा चिकन विंग्स आधा किलो, हॉट सॉस 6 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे, नमक 3/4 चाय का चमचा, तेल तलने के लिए पेपरिका सॉस 1 चाय का चमचा, पिसा लहसुन 3/4 चाय का चमचा, बटर मिल्क 3/4 कप, मैदा 3/4 कप, बेकिंग पाउडर 3/4 चाय का चमचा। तरकीब, चिकन विंग्स में तेल के अलावा तमाम अज्जा शामिल करके आधे घंटे के लिए रख दें। अब तेल गर्म करके इन्हें इतना फ्राई करें कि वो क्रिस्पी हो जाएं, फिर इन्हें निकाल कर सर्व करें। बारबेक्यू चिकन स्वरल्स, 2 के लिए अज्जा, मैदा 3 कप, नमक 1.5 चाय का चमचा, खमीर 1 खाने का चमचा, पिघला मक्खन 4 खाने के चमचे, लहसुन पाउडर 3/4 चाय का चमचा, दूध 1 कप, हरी प्याज गार्निश के लिए, फिलिंग के अज्जा, रेशा चिकन फ्राइज 1 पैकेट, चॉप्ड प्याज 1 अदद, बारबेक्यू सॉस 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पास्ता सॉस 6 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे, टॉपिंग के अज्जा, चेडर चीज 1 कप, दूध आधा कप, लहसुन पाउडर आधा चाय का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे। तरकीब, 2 के तमाम अज्जा मिलाकर पानी से गूंद दें और थोड़ी देर के लिए रख दें कि साइज़ डबल हो जाए। फिलिंग के लिए मक्खन गर्म करके चॉप्ड प्याज फ्राई कर लें। अब इसमें पास्ता सॉस, बारबेक्यू सॉस, कुटी लाल मिर्च और रेशा चिकन फ्राइज शामिल करें और मिक्स करके ठंडा कर लें। उसके बाद डो को बेलें और फिलिंग के अज्जा फैलाकर रोल कर लें। अब इन्हें 1.5 इंच के टुकड़ों में काटें और ग्रीस की हुई डिश में सेट करके मजीद फूलने के लिए छोड़ दें। फिर इन्हें गर्म ओवन में इतनी देर बेक करें कि रंग आ जाए। टॉपिंग के अज्जा मिलाकर इतनी देर गर्म करें कि वह स्मूथ हो जाए। फिर इन्हें गर्म गर्म ही बंस पर डालें और हरी प्याज से गार्निश करके सर्व करें। फ्राइड बफलो विंग्स, अच्छा चिकन विंग्स आधा किलो, हॉट सॉस 6 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे, नमक 3/4 चाय का चमचा, तेल तलने के लिए पेपरिका सॉस 1 चाय का चमचा, पिसा लहसुन 3/4 चाय का चमचा, बटर मिल्क 3/4 कप, मैदा 3/4 कप, बेकिंग पाउडर 3/4 चाय का चमचा। ट्रैक जी, वेलकम बैक। मैं एक्चुअली ढूंढ रही थी ट्रैक किसमें लगा हुआ है। जैसे लग रही है रेसिपीज आज एक्चुअली वो थोड़ा सा बेक होने के लिए मैंने रखा था, मैं वो देखने के लिए गई थी कि ऐसा ना बहुत ज्यादा कलर डार्क है ना। शेफ और कुकिंग एक्सपर्ट जो होता है ना वो बेचैन ही रहता है अपनी रेसिपीज को लेकर ना, बस वो जैसे माएं अपने बच्चों को लेकर होती ना, वो अच्छे से तैयार हो जाए, वो अच्छे दिख रहे हों, कहीं जाए सब उनकी तारीफ करे, ऐसी ये लोग हैं। ये तो आप देखिए यही हमारा एहसास है, इन्हीं की वजह से हम यहाँ पर हैं आज तक। तो ऑब्वियसली हमें इनसे बहुत ज्यादा प्यार है इन चीजों से, तो मैं चाह रही थी कि वो खराब ना हो जाए। ये देख लें आप चीजें। और जो सबसे ज्यादा आज अमेजिंग रेसिपी है वो है मोनसलवा के, जो हमने चपली कबाब से कटाकट बनाया है, नो डाउट वो बहुत ही कोई शानदार बना है, बहुत ही अच्छा बना है। आप लोग भी जरूर बनाएगा। और ये सबसे ज्यादा ये बात अच्छी ये है इकोनॉमिकल वे में कि अगर आपके पास 4-5 मौजूद हैं चपली कबाब हैं तो उससे आप किस तरह से अच्छा सा कटाकट बना सकते हैं। आपने देखा कि मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, 3-4 हरी मिर्चें, हरा धनिया, चाट का मसाला
और नॉर्मल अपने नमक मिर्च मसाले थे उसी से हमने बना लिया बहुत शानदार कटाकट। आई एम श्योर कि ये आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये इकोनॉमिकल रेसिपी आपको मोनसलवा के जैसे जनाब आपको पसंद आएगी ना, तो जनाब ज़रूर यानी कम पैसों में आप एक खाना बना के जो है ना गेस्ट को आराम से फ्री कर सकते हैं। आप देखिए कितने इसको आराम से अगर पेट भर के खाना चाहें तो दो लोग आराम से नान मंगवा लें और नान इंजॉय करें, केक कटाकट ज़बरदस्त सा नो डाउट। बाकी आज की रेसिपीज खुद बोल रही हैं कि मैं कितनी शानदार लग रही हूँ ना, तो मतलब आप देखें तीनों रेसिपीज मोनसलवा के कटाकट एक तरफ, बाकी बहुत मज़ेदार। अब सोचे मेरे माइंड में नहीं आ सकता था कि मैं मोनसलवा के चपली कबाब से कटाकट ही बना लूँगी। भाई कबाब का इटसेल्फ बहुत अच्छा टेस्ट है, तो उससे जब मैंने ज़ाहिर बनाया तो बहुत ही अच्छा लगा और खुशबू पूरे सेट पे फैली हुई है सब ना, बाकी लुक बहुत अच्छा है, स्रिल्स आपके सामने और बहुत ही क्रिस्पी से ये विंग्स हैं जो कि बहुत ही कुरकुरे। मैंने एक थोड़ा सा उसका जो कोटिंग थी वो मैंने सिर्फ ट्राई की थी, उसमें तक इतना मज़े का टेस्ट है क्योंकि उसमें लहसुन पाउडर डाला था। ओह यस, इस वजह से बहुत अच्छा मज़े का। और मुझे नहीं बोल सकते क्योंकि हमें इजाज़त लेनी है, बस अब रेसिपीज ही बोलती रहेंगी खुद ही, जब आपके घर में ये बनेंगी और फिर लोग तारीफें करेंगे वो बताएंगे। चले जी इजाज़त लेते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे मज़े की रेसिपीज़ के साथ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।